गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम निहाल, वेलकम टू द चैनल लिविंग ब्राइट। और आज हम करने वाले हैं हेयर केयर, क्योंकि हेयर की केयर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरीडे हम एक्सरसाइजेस करते हैं, बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन, डस्ट, इन सब के कारण हमारे हेयर डैमेज होते ही हैं। और अभी हमने केयर नहीं की ना, तो एक एज के बाद हमारे हेयर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, पहले केयर कर ली होती तो ऐसा नहीं होता। तो मैं सब बिल्कुल नहीं करना चाहती और अपने बालों को मैं शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। तो आज मैं करने लगी हूँ एक अमेजिंग हेयर केयर रूटीन फॉलो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, पर आपके बालों को जो इफ़ेक्ट देते हैं ना, जो आपके बालों को शाइन देते हैं, जो कलर देते हैं, जो मज़ेदार टेक्सचर देते हैं, उससे आप दंग रह जाएंगे। सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आप भी वो फॉलो कर पाएँ। वीक में एक बार हेयर की केयर तो बनती है बॉस, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये देखो यार, सब्सक्राइब कर लो तो नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है, फ्री है, दबा दो। बाजू में घंटी है, जो दबाना नहीं भूलना है, ताकि एवरी वीडियो के बाद आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो हम कर रहे हैं पानी को गर्म, क्योंकि हमें पानी गर्म चाहिए कॉफी को इसके अंदर डालने के लिए। तो हॉट वाटर हो जाए, फिर हम इसमें कॉफी को ऐड करेंगे। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, पानी गर्म ऐसे ही नहीं हो जाता। अब हम इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर देंगे, जितना पानी है उतनी कॉफ़ी ऐड कर दीजिए। मेरे पास एक गिलास पानी था तो मैंने एक चम्मच कॉफ़ी ऐड कर दी है। और फिर इसे बॉईल होने देंगे, ताकि कॉफ़ी जो है वो अपने इंग्रेडिएंट पानी में छोड़ दें। जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम हमें करना है, सिर्फ आपको इसमें दूध नहीं डालना है। सो इट्स रेडी। तो कॉफ़ी का पानी हमने बना लिया है। कॉफ़ी को हमने गर्म पानी के अंदर डालकर, जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं वैसे ही बना दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रखना है और स्प्रे बोतल में भर लेना है, और फिर हम हेयर पे अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैफीन इज़ रियली गुड फॉर हेयर, तो लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद हम शैम्पू कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे शैम्पू के अंदर इस पानी को मिक्स करके हेयर वॉश कर सकते हैं, ये भी हमें बेटर रिजल्ट देता है। पर हम इसे मास्क की तरह यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा ना, तो वो देख लीजिएगा। हमने आई पैड्स लगाए थे कॉफ़ी वाले फॉर 1 वीक, और इससे डार्क सर्कल में जो फ़ायदा मिला है बॉस, अमेजिंग। वो वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, चेक इट आउट एंड वॉच इट आउट। कॉफ़ी की स्मेल, वीक में एक दिन होता है हमारा स्किन केयर या फिर हेयर केयर। रोज रोज तो टाइम मिलता नहीं है, तो वीक में एक बार तो हम टाइम निकाल ही लेते हैं हमारे स्किन केयर के लिए या फिर हेयर केयर के लिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, वीक में एक दिन मैं स्किन केयर करती हूँ, एक दिन हेयर केयर करती हूँ। तो आज हेयर केयर की बारी है, संडे को हम स्किन केयर करेंगे। अगर टाइम मिला तो वो भी शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि स्किन केयर में मैंने क्या किया। तो कॉफ़ी को हम स्प्रे बोतल में भर लेते हैं। कॉफ़ी जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है, तो आपको करना यह है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ से परचेज कर लेना है। जो मैंने यूज़ किया है वही आप परचेज कर सकते हैं। बॉटल में भर लिया है, अब हमें हेयर में इसे अप्लाई करना है। फिर हम 2-3 घंटे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करेंगे। सो लेट्स अप्लाई इट एंड देन सी द रिजल्ट। गर्मी बहुत बढ़ गई है, आपके यहाँ कितनी गर्मी है कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे यहाँ तो बहुत है। गुजरात में ना गर्मी एक अलग ही लेवल पे होती है। खुशबू से ही एनर्जी आ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर एप्लीकेशन। स्प्रे बोतल से अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। 6.5 hours later, नाउ इट्स टाइम टू शो ऑफ। शो ऑफ तो करना पड़ेगा ना यार थोड़ा सा, क्योंकि इतनी मेहनत से हेयर मास्क बनाया और इतना अच्छा रिजल्ट जो हमें मिला है, ये देखो शाइन देख रहे हो आप, मेरे बालों की शाइन। OMG, मैं वारी जावा, मैं सतके जावा, सुपर अमेजिंग है ना।
मुझे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे हेयर का कलर भी देखो, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। मुझे बहुत पसंद है ये। मुझे हेयर कलर करवाना वैसे भी बहुत पसंद है, पर करवा नहीं सकते क्योंकि लॉट्स ऑफ केमिकल्स, पर ये नेचुरल तरीका मुझे बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया नहीं, कमेंट करके बता देना। आई होप आपको ये हेयर केयर रूटीन पसंद आया है और आप इसे जरूर फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज इट्स सो इजी। करने वाले हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरे वीडियोज को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग तो कमेंट करके बताते भी हैं कि मैंने शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कुछ लोग रेगुलर कमेंट करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे तो फटाफट नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना है। इस बार टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। ओके, हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू एक्सरसाइज, डू हेयर केयर, डू स्किन केयर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।